गाइस वेलकम टू ए टू जेड परफॉर्मेंस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आए हुए हैं कुमार कॉलोनी उत्तम नगर में जो है, तो यहाँ पे बहुत सारे दिए मिलते हैं आपको। जैसे पीछे दिख ही रहा होगा, ये पूरी मार्केट दियो की है। और ये देखिए अंकल हमें देख रहे हैं, पीछे देखो सारे देख रहे हैं, बोल रहे हैं आए हुए हैं, ब्लॉग बना रहे हैं ये वो। तो आज हम आपको ये पूरी मार्केट घुमाएंगे। ये तो पूरी दिल्ली में जो दिए मिलते हैं दिवाली पे, ये फेस्टिव सीजन में यहीं से सप्लाई होते हैं और सारे बंदे अपने दिए यहीं से लेके जाते हैं, जो डबल ट्रिपल रेट में बेचते हैं। तो आज हम आपको ये पूरी मार्केट घुमाएंगे कि यहाँ पे कितने सस्ते सस्ते दिए मिलते हैं। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जिस जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पहले जाओ नीचे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये हम पहले उसमें आ चुके हैं। तो भैया ये कौन सी है, आप इस दुकान के ओनर हैं? तो यहाँ पर किस आगरा कलकत्ता, ये गुजरात में है। ये गुजरात में है, ये वहाँ से सप्लाई क्या है? और ये कितने के हैं? ये देखिए गाइस, ये 3 रुपीज़ के दिए हैं बस, बस 3। और इतना सुंदर है ये, देखो कितना प्यारा लग रहा है पास से देखो। जैसा आपको दिख रहा है हमारे पीछे ये सारे दिए हैं, ये 3 रुपीज़ के। ये सारे जो दिए लगे हुए हैं ये यहाँ पे, ये सारे 3 रुपीज़ के दिए हैं। और ये आप देख सकते हो, ये देखो कितना प्यारा है, ये भी 3 रुपीज़ का है। ये सारे 3 रुपीज़ के, और जो वहाँ है वो सारे 4 रुपीज़ के हैं। देख रहे हो कितनी सस्ती मार्केट है, दुकान पे है अभी। और आप ये बाहर लेने जाओगे ना, आपको 50 रुपये का एक मिलेगा, और ये 3 रुपये का एक दे रहे हैं। भैया आप बताएंगे कहाँ से बन के आते हैं? भैया ये गुजरात से बन के आते हैं। अच्छा, डेकोरेट होता है जो हम करते हैं, जो डेकोरेशन देता है मिट्टी के हैं, ये मिट्टी का पेपर मिट्टी होती है वो बन के गुजरात से आए हैं। कलर आपने जी, और ये भी आपने लगाया? हाँ, ये सारा का सारा, ये सादा आता है, ये कितने का नॉर्मल दिया? ये कितने के लगे? कम से कम 50 लेने लेने होंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये पीछे सारे ये देखिए, ये बेल्स देखिए कितनी सही हैं। ये सारी कोलकाता से आती हैं, मिट्टी की हैं ये सारी, ऐसे वो नहीं है कि आर्टिफिशियल हैं, ये सारी मिट्टी की हैं। तो भैया आप ही जो ओनर हैं इस दुकान पर, और ये सारी कहाँ से आती हैं सारी? ये सब कोलकाता की है, गुजरात की है, उनकी बनाई हुई है, 3-4 जगह को मिला के। और ये मिट्टी की लाते हो, इसको कलर तैयार हुआ भी आता है। और ये कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, देख लीजिए ये ऑल ओवर इंडिया से लोग इनके पास खरीदने आते हैं। और भैया ये कितने की है? 140। ये देखिए 140, इतना प्यारा ले रखा है, देखिए 140। और ये सारे 140, ये 120 का, 120 190। अच्छा, और ये 12। ये बार, और ये कितने की देते हो? ये 90। ये देखिए पूरी 90 रुपये की बेल है, ये कितनी सही है, मिट्टी की है ये बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये आंटी देखो सारी मिट्टी वो कर रही हैं। और यहाँ के हर फैमिली के, हर घर के आगे आपको ये मिट्टी दिख सकती है, क्योंकि दिए सारे मिट्टी से बनते हैं, ये सारे मिट्टी से बनते हैं। और यहाँ पे 40 ईयर्स से ये काम चल रहा है, ये लोग इसी पे डिपेंड रहते हैं, अपने खाना इसी से करते हैं। ये पूरे साल में सिर्फ इनकी कमाई इसी टाइम होती है, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है, लोग इसी टाइम दिए खरीदते हैं। तो आगे और बहुत, ये पूरा आप कॉलोनी देख सकते हो, इस पूरी हर घर के आगे मिट्टी दिखेगी आपको। हम देखने जा रहे हैं कि जैसे दिए बनाने का वो कैसे होता है, तो हम ऊपर जा रहे हैं, आप देखते हैं दिए कैसे बनते हैं, और आपको भी दिखाएंगे, और हम भी अगर वो करने देंगे तो हम भी करके देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। इतने सालों से 40 ईयर्स से ये दिए बना रहे हैं, तो अब देखते हैं।
तो भैया आपकी कितने एक दिन में कितने दिए बना लेते हैं? एक दिन में भाई 5,000 बन जाते हैं, 4,000 बन जाते हैं। 4,000 दिए एक दिन में? और सुबह से लेकर शाम तक, सुबह लेके लेकर शाम तक लगे रहते हो आप पूरा टाइम? पूरा टाइम। और ये मशीन खुद बनाते हो? नहीं, मशीन एक्चुअली बाहर से लानी पड़ती है। मशीन कितने की पड़ती है ये मशीन? 5,000 रुपये 6,000। 5,000 6,000। और एक दिया कितने का पड़ता है आपको? एक हमें पड़ता है 40 पैसे का। 40 पैसे का? और आप कितने का आप बेचते हो? 40 पैसे का पड़ जाता है, हमें 400 रुपये 1,000 दिए जाते हैं होलसेल रेट में। 400 रुपये के 1,000 दिए भैया को 40 पैसे में एक दिया पड़ता है। और चार कितने? 1,000 दिए 400 रुपये में। 1,000 दिए 400 रुपये में दे देते हैं। और ये एक दिन में कम से कम 4-5,000 दिए बना लेते हैं होलसेल रेट में। होलसेल रेट में। और ये बाहर मार्केट में कितने के बिकते होंगे? हाँ तो मार्केट के हिसाब से ना, कोई 1 रुपये का एक बेच देता है, 2 रुपये का एक बेचता है। तो मतलब भैया की आमदनी कम होती है। ये देखिए घर में बनाते हैं और ये देखिए कितनी मेहनत से बनाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरा लगे रहते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं खुद। भैया मैं बना के देखूँ बस आपको यूज नहीं करना आपका आपको बस ऐसे बहुत मेहनत का काम है भाई। ये देखिए तू भी ट्राई कर ले, अब ये दीक्षित ट्राई करेगा। आपको दिए दिखाए कितने सारे दिए बनाए थे। हमने भी एक दो ट्राई करे पर इतने खास बने नहीं, मेरे को दीक्षित भी आ गया है। तो अब हम आपको और मार्केट दिखाएंगे पूरी। ये तो हमने आपको दिखा दिया कि ये दिए कैसे बनते हैं, पर अब ये हम आपको मार्केट दिखाएंगे कि और मार्केट में क्या क्या मिलता है। जैसे कि अब करवा चौथ आने वाला तो ये करवे मिलेंगे, और अब वैसे भी बहुत अब दिवाली भी आने वाली है तो ये दिए मेन दिवाली के लिए बन रहे हैं। बल्क में देखा कि आपने सुबह से लेकर शाम तक में ये 4,000-5,000 दिया बना लेते, तो आप सोचो कितनी मेहनत लगती होगी। एक दिया बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ये पता नहीं 4-5,000 तो बहुत दूर की। दिखाया कि हमने हम दिए लेने गए हैं, अब हम आए हैं मार्केट, आए हैं मेन मार्केट में। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, हम एक शॉप में चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे, रेट क्या क्या है, भैया से पूछते हैं क्या सामान है। तो भैया आप यहाँ के ओनर हैं? हाँ।
आप यहाँ के ओनर हैं, यहाँ क्या क्या सामान मिलता है, ये सारी कहाँ से सप्लाई होकर आता है ये सामान? ये सारे कलकत्ता गुजरात से, कलकत्ता और गुजरात से। वहाँ से आप कितने का लाते हैं और ये कितने का बेचते हैं? भाई दो रुपये मार्जिन, पाँच रुपये मार्जिन से ज़्यादा। अच्छा, मतलब वहाँ से महंगा आता है या वहाँ से सस्ता? वहाँ से महंगा आता है, यहाँ के थोड़ा वो डाउन हो जाता है। डाउन, तो मतलब आपको लॉस होता है? लॉस होता है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पूरी दुकान भरी हुई है फिर भी इनको लॉस होता है। दूसरी शॉप पे आए हैं ये भैया, आप यहाँ पे ये दिया कितने का मिलता है? ये दिया 15 रुपये। और कहाँ से आया ये दिया? ये भैया ने अपना बनाया, तैयार किया, देखो कितना सुंदर बनाया भैया ने। आपने खुद बनाया? खुद बनाते हैं और खुद बेचते हैं। ये 15 रुपये का दिया है और ये देख सकते हैं अभी कुमार कॉलोनी में ये 15 का मिल रहा है, और अगर पूरी दिल्ली में जाओगे ना आपको ये 25 रुपये का मिलेगा। तो देखो भैया कितने लॉस में बेचते हैं। ये आपको कितने का पड़ता है बनाते हैं? 10-12 का पड़ता है और भैया 25 में बेचते हैं, तो चलो थोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं 15 का। और ये कितने का दिया? ये 3 रुपये का। और ये ये देखिए, ये भी मिट्टी का है, ये 3 रुपये का दिया है। और भैया ये सारे कितने? ये देख सकते हैं कितने सारे दिए, ये 3 रुपये के हैं, ये सारे 15 रुपये के हैं, देख सकते हैं। आ जाओ, आ जाइए अंदर, आ जाइए। ये देखिए कितने सारे हैं, ये दिए के अंदर ये वो भर रखी है, वैक्स भर रखी है, ये देखिए मटकी है, ये मटकी है, ये दिए हैं, ये भी देखिए दिए है, मटकी है ये। भैया ये एक प्लेट कितने की मिलती है? ये 60 रुपये की है सर। और आपको कितने की पड़ती है? ये पड़ती है 55-50। तो भैया ये बनाते हैं, बनाते हैं अपना 50 रुपीज़ की, और ये बेचते हैं 55 या 60 रुपीज़ में। देख सकते हैं आपके कितना वो होता है, कम में बहुत कम मार्जिन है ये, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, ये मूर्ति देखिए, ये पूरी आम सारी मूर्ति है, मंदिर भी आ जाइए देखते हैं। ये देखो ये कितनी सारी मूर्तियां हैं, देखिए ये गणेश जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, देख सकते हैं भैया। कितने कितने प्राइस की हैं? 40 रुपये के, 20 रुपये के, 15 के, 20 के, और ये 10 रुपये की। देख सकते हैं कितनी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी इतनी मेहनत वाली मूर्तियाँ आपको सिर्फ 30-40 रुपये में मिल जाएंगी। दिल्ली की चीपेस्ट मार्केट है ये मिट्टी के दियों के लिए। और मंदिर, और ये देखिए छोटा मंदिर है, ये छोटा मंदिर, ये बड़ा मंदिर, ये देखिए ये मंदिर है, ये बना रखा है, ये भी मिट्टी का ही है। भैया इसका रेट क्या है? इसका 40 रुपये। ये देखिए इतना वो बना रखा है प्योर, मतलब जैसे कारीगरी है बहुत अच्छी है कर रखी है इसमें, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वो बना रखे हैं, पॉइंट्स बना रखे हैं। और ये सिर्फ 40 रुपीज़ का है, बस 40 रुपीज़ का। ये बड़ी मंदिर है, ये देखिए, ये देखिए इसमें घंटी भी लग रखी है, देखिए इसमें कुंडन स्टोन्स भी लग रखे हैं, ये देखिए कितना अच्छा काम कर रखा है, लेस भी लग रखी है, ये घंटी, और वो देखिए भगवान जी भी है, गणेश जी और लक्ष्मी जी, ये देखिए कितना अच्छा बना रखा है। और भैया ये कितने का है? 80 रुपये का है, बस 80 रुपीज़ का, ये देख सकते हो आप, बहुत आगे से ये उससे बड़े हैं, फिर उससे बड़े हैं। और भैया ये क्या है? ये प्लेन सिर्फ मिट्टी का बना रखा है, इस पर कोई मतलब कलर वलर नहीं है ना कुछ है, और इस पर भी वो लगा रखे हैं जो इसमें भी लक्ष्मी गणेश चाहिए, आगे दिए भी बन रखे हैं इसमें, देख सकते हैं आप सारे डेकोरेशन की मार्केट में। डेकोरेशन की मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छी बनती है, जैसे वो मिट्टी के दिए होते हैं उसी को ही डेकोरेट करके इतना प्यारा बना देते हैं। अब ये देखो ये आ गए सारे, हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, ये देखिए, ये देखिए भोलेनाथ जी हैं, ये देखिए कितना प्यारा सा पॉट बना रहा है, हाथी है। आप देख सकते हैं भैया को अवार्ड्स कितने सारे मिल चुके हैं, फिर भी देखिए ये काम कर रहे हैं भैया, 5-5 बार अब्रॉड जा चुके हैं। देखिए इतने हाथी बनाते हैं, 300-400 हाथी एक दिन में बना लेते हैं। अभी अवार्ड ला रहे हैं हम आपको, इनका अवार्ड भी दिखाते हैं,
भैया कौन कौन से अवार्ड मिल रखे हैं आपको? अरे हमको स्टेट अवार्ड भी मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी सेकंड मिला। इनको नेशनल अवार्ड भी मिला है, स्टेट अवार्ड भी मिला है, फिर भी देखिए ये काम कर रहे हैं कितनी मेहनत से। जो पूरी दिल्ली में वो हाथी मिलते हैं छठ पूजा के लिए, वो यहाँ से बन के जाते हैं, और इनको कितने सस्ते मिलते हैं और बाहर कितने महंगे देते हैं आप देख सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए आप, ये स्टेट अवार्ड देख सकते हैं, इतना ये सुंदर बना रखा है। और आप भैया क्या क्या बनाते हैं? हर एक आइटम बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा, अंकल जी ने बताया कि उन्हें स्टेट अवार्ड भी मिल रखा है, नेशनल अवार्ड भी मिल रखा है। तो आप ये पीछे देख सकते हैं, ये दो घोड़े हैं और ये एक हाथी है, इनको इनका नेशनल अवार्ड मिल रखा है। और आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बना रखे हैं, इतने बड़े बड़े बना रखे हैं, और ये एक दिन में बना लेते हैं। ये आ चुके हैं ये इस घर में, ये पूरा डेकोरेटिव जो हम सामान लगाते हैं अपने घर पे, ये शोपीस लगाते हैं, ये लगाते हैं, वास हैं, ये घंटियां हैं, ये देखिए पूरा घर इससे ही बना रखा है। अभी हम जो खरीदते हैं वो है ये, तो अब हम इनसे इनके रेट पूछेंगे। ये देखिए कितना ये आप ये देखिए वो देखिए वास है, कितना अच्छा, कितना बड़ा, कितना अच्छा सजा रखा है, कितना अच्छा पेंट कर रखा है। ये देखिए नीचे भी है, ये सामान है। ये देखिए और भी हैं, ये पूरा ऊपर जैसे ये शुभ लाभ हम लिखते हैं दिवाली पे, ये भी पूरा सजा रखा है, कितने अच्छे से लिख रखा है। ये हैंगिंग देखा था कि हम कुमार कॉलोनी आए हुए थे, तो हमें यहाँ पे उनके प्रधान जी मिल चुके हैं, तो हम उनके घर आए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बना रखा है। ये देखिए ये क्या क्या है, यहाँ भी बहुत आइटम है, बाहर ही बहुत आइटम्स लगा रखे हैं इन्होंने। ये देखिए इनको कितने अवार्ड्स मिल रखे हैं। ये देखिए इनको, मतलब पूरी दीवार अवार्ड से भर रखी है इन्होंने। तो अब इनसे ही चल के पूछते हैं कि इन्होंने किन किन चीजों पे अवार्ड ले रखे हैं, क्या क्या कर रखा है। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। तो प्रधान जी आप बताएंगे कि आपने किन किन चीजों पे अवार्ड ले रखा है, क्या क्या कर रखा है, आपने कब से स्टार्ट किया था ये काम? ये काम तो मैंने बचपन से ही शुरू किया था, जो हरियाणा में थे हम वहीं शुरू कर लिया था। पहले हरियाणा में चलता था। हरियाणा में हमारा पुस्तकी गांव है, उसके बाद 1976 में दिल्ली में आ गए, और यहाँ पहले तो लोकल बर्तन ही बनाते थे, मिट्टी के बर्तन मटके वगैरह है, गमले वगैरह ही बनाते थे पहले। और उसके बाद में हमने जो है यहाँ जैसे पता लगे भाई इस काम को अवार्ड मिलते हैं, तो उसके लिए चलो घटके से कुछ काम करना पड़ता है, कंपटीशन जो होता है उसके लिए। अच्छा, हाँ, हाई लेवल पे काम स्टार्ट करा। तो उसमें मैंने फिर तरह तरह की चीज़ें बनानी शुरू करी। आपको किन किन चीज़ों पे अवार्ड मिल चुके हैं? मेरे को अवार्ड तो बर्तनों को ही मिला है सारा। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि हम आप पूरी मार्केट घूमे हैं, हर एक एक घर में गए थे, आपको दिखाया, आपने हाथी देखे, घोड़े देखे, दिए इतने सारे आपको दिखाए हैं, ठीक है। हर स्टेट में जाते हैं, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह से ये जाते भी हैं, और यहाँ पे सप्लाई भी होते हैं, और पूरी दिल्ली में यहीं से मार्केट है, ये पूरी मेन मार्केट दिल्ली से ही है। और मतलब वो यहाँ होल सेल में मिलता है, रिटेल में नहीं मिलता यहाँ कुछ। मतलब जैसे अगर आपको दिए लेने हैं, पूरी दिल्ली में दिए यहाँ से जाएंगे और वहाँ पे आपको महंगे मिलेंगे, और यहाँ पे आपको मतलब अगर यहाँ के दो तीन में मिलेंगे बस। यहाँ से अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ दस रुपये के मिलते हैं, और यहाँ पे बस एक या दो रुपये या तीन रुपये के मिलेंगे बस। तो आज तो हमने भी प्रैक्टिस की थी। तो जैसा कि आपने देखा कि अब फिर हमने भी बनाना सीखा, मतलब एक दो दिन बनाए थे पर बेकार बने थे, मतलब इतने अच्छे नहीं बने थे, थोड़े से नहीं बने। तो भी मैं प्रोफेशनल थोड़ी हूँ, मैं बनाऊँ। हाँ ठीक है, तो फिर हमने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो, आपको भी अगर दिए लेने हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, ये कुमार कॉलोनी दिल्ली में ही है, पागल है बैटरी वाला दिल्ली, ये कुमार कॉलोनी उत्तम नगर में ही है। तो अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, इसको हमारी वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।